धार जिले की औद्योगिक नगरी पीथमपुर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में अभी तक रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं पहुंचे हैं। हम आपको बता दें कि एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर माना जाता है, जिसमें कई मजदूर काम करते हैं, जिसको इस कोरोना महामारी में पीथमपुर में कोविड सेंटर बनाया गया है, जहां पर उनको चिकित्सा उपचार किया जा रहा है। पर रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं होने के कारण कई मजदूर रोजाना दम तोड़ रहे हैं। जनप्रतिनिधि पार्षद मुकेश सामने आए और उन्होंने जिला अस्पताल धार में रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराने की बात कही है, मगर वहां से उन्हें कहा गया कि यहां पर एमडी स्पेशलिस्ट नहीं है और वो ही इंजेक्शन लगा सकता है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। नाम बताइए। मैं मुकेश पंचाल, वार्ड नंबर 14 से पार्षद हूं। भाई साहब, ये पीथमपुर में जो स्थितियाँ अभी लग रही है उसको लेके, कोविड को लेके भी कुछ चीज़ें हमको जानकारी मिली है, तो क्या वास्तव में आप यहाँ के निवासी हो, तो आपका क्या कहना है इस चीज़ को? यहाँ पे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, डेली 2 से 3-4 मौतें हो रही है और प्रशासन धार का हमारा कोई इतना ध्यान नहीं दे पा रहा है। डॉक्टर लोग सब मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं। अच्छा, जैसे सुविधाएं नहीं है तो अपन कैसे सुविधा की बात करना चाह रहे हैं? सुविधा जैसे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन है, अब मुझे पता चला उसको सिर्फ एमडी डॉक्टर ही लगा सकता है, अब हमारे एमडी डॉक्टर नहीं है तो उसकी कुछ तो व्यवस्था धार से डेली अप डाउन करा के करा सकते हैं। अगर वो नहीं कर सकते तो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को पावर दे दें कि भाई वो आप लगा सकते हैं, तो कुछ तो अपन जान बचा सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका लाभ मिल जाए और अपन उनको बचा सकें। अच्छा, मतलब यहाँ पे व्यवस्था इस चीज़ को लेके ये लोग, ये इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। अच्छा, अगर यूँ बात की जाए तो मतलब जैसे 2-3 दिन में कितने लोगों की मौत हो गई इस चीज़ को? पिछले 2 दिन में कम से 6 से 7 लोगों की मौत हो गई, कल से और आज में। अच्छा, और हालत बहुत ज़्यादा ही दयनीय है। ठीक है, और कोई ऐसा मुद्दा यहाँ का जो आपको अभी लग तो रहा यही हो? बोल सकते हैं अपन कि ज़्यादा से ज़्यादा जाने बचा लें, अगर वो इंजेक्शन यहाँ पे होता है तो बहुत सारे लोगों को लग सकता है, कोशिश कर सकते हैं अपन लोग, इसलिए प्रशासन ने इस पर ध्यान देना चाहिए। पार्टी से और भी कोई लोग हो, जैसे यहाँ पर बहुत सारे जैसे विधायक प्रतिनिधि भी लोग हैं और भी लोग हैं, अब उनके भी किसी का कोई अगर, या दोनों पार्टियों से कोई लोग भी इस चीज़ को उठा रहे हैं या मदद कर रहे हैं? कोई ऐसा मुझे तो नहीं लगना कोई जनप्रतिनिधि या इसी तरीके से कोई यहाँ पर मदद कर रहा है इस टाइप से, हालत दयनीय है, चाहते सारी व्यवस्था जुड़ सकती है। एक बार आपका नाम बताओ। मुकेश पंचाल सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।